रोड तो आप लोग चंदा करके बना रहे हैं चंदे करके बना रहा है कोई जमीन दे रहा है कोई पैसे दे रहा है कोई मटिया दे रहा है कोई ट्रैक्टर है जे, जिसको जिसको बन रहा है, रा है राजधानी पटना से लगभग 22 किलोमीटर दूर ये वो सड़क है जिसको गांव वाले खुद के पैसे से बना रहे हैं कोई जमीन दिया है तो कोई पैसा दे रहा है कोई ट्रैक्टर दे रहा है तो कोई मिट्टी दे रहा है तो कोई श्रमदान कर रहा है समझ लीजिए आज के इस कलयुग में ऐसा भी होता है आपको यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन ये सोलह आना सच है यहाँ से लगभग दो ढाई किलोमीटर दूर एन एस तीस है एन एस तीस को जोड़ने के लिए ये सड़क जो अभी बनना शुरू हो गया बहुत बता रहे हैं कि आठ दस दिन बाद अगर आएंगे तो यहाँ से लेकर के एन एस तीस तक आपकी बाइक चली जाएगी तो समझ लीजिए सड़क को रिकॉर्ड करने के लिए हम भी पटना से चलकर कर यहाँ तक पहुँचे हैं और ये वैसे लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो कहते हैं कि गाँव में सरकारें काम नहीं करती अगर सरकार नहीं काम करेगी तो कुछ हो नहीं पाएगा तो अगर आप चाह लेंगे तो कुछ भी हो जाएगा इसका परिचायक है ये और इस रोड को देख लीजिए बनता हुआ एक बार यहाँ से वहाँ एकदम लकीर जैसा खिंच गया और सामने में एन भी दिख रहा है कई बार आपने देखा है मेगा ब्रिजेस को बनते हुए छोटे पुल पुलिया को भी बनते हुए सब कुछ हम दिखाते हैं लेकिन आज जहाँ आए हैं ये आम लोगों की सड़क है जिसे आम लोग बनवा रहे हैं विश्वास नहीं हुआ ना यहाँ से लेकर के एन देखिए सामने गाड़ी जा रही है हमको दिख रहा है कैमरे पर तो नहीं दिख रहा होगा लगभग ढाई किलोमीटर दूर है और यहाँ से ढाई किलोमीटर तक ये सड़क जाएगी एन से मिल जाएगी एन एच तीस आगे में और यहाँ से फिर नौ किलोमीटर पीछे तक भी इसको जाना है ऐसा गांव के लोग कहते हैं हमें भी विश्वास नहीं हुआ जब हम खबरों को पढ़े कैमरा उठाए और आपके लिए यहाँ तक पहुँच गए तस्वीरों को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं काम हो रहा और इधर में दो बाबा है बैठे हुए मिले मुलाकात इन्हीं से हुआ ये बोले कि गांव में सड़क जो है हम लोग खुद बनवा रहे हैं आप ही लोग बनवा रहे हैं हाँ तो सब मिलकर बिहरी से बना रहे हैं बिहरी मतलब चंदा हाँ चंदा बना रहे हैं नहीं कितना चंदा हो गया जो सड़क बना लीजिएगा अभी हो ही शुरू हुआ था वो भी करेगा जितना लागे एक साल में ना होगा दो साल में होगा पाँच साल में होगा तो ऐसा क्या हुआ जो सरकार पे भरोसा नहीं है आप लोग भरोसा भरोसा तो है ये हाँ। है कि कहूँ सरकार है जे जो जोर कर दे हाँ। तो बढ़िया से बन जाए तो आप लोग अपने से जोर किए हुए हाँ तो देखिए गाँव वाले हैं और कह रहे हैं कि सरकार पे तो भरोसा है लेकिन भरोसा अगर होता तो इंतजार होता इंतजार नहीं हो रहा खुद से बना रहे इसका मतलब भरोसा नहीं है कह रहे हैं कि कदम हमने बढ़ा दिया है और अगर अब सरकार साथ दे तो इस पर पिचिंग भी हो जाएगा और आगे एक नदी जैसा हमको दिख रहा था जब हम ड्रोन फ्लाई किए तो उसमें कह रहे पुल पुलिया भी बन जाएगा और यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा वो एन से लगता है रोड बाब बन जाएगा राम सरकार विधान हाँ? बनना है जब आप न बनेगा हमारे आने से क्या है पैसा तो आप लोगों को देना है जेब देवे करेंगे सर आप सहयोग कीजिए ना बन जाएगा तू राज बनने में दो मत नहीं है, है कि जमीन भी आप ही लोग दिए हैं हाँ सर क्या क्या हुआ जितना मसूरी था जो साफ सर हो गया चना सर हो गया तैयार आगे है गांव के आदमी के हाँ। जी रोड आप लोग चंदा करके बना रहे हैं है चंदे हाँ। करके बना रहा है कोई जमीन दे रहा है कोई पैसे दे रहा है कोई मटिया दे रहा है कोई ट्रेक्टर है जिसको है जिसको जितना बन रहा है बन रहा है। तो कहा है ऐसा कहा कर रहे हैं आप लोग सुविधा गुना बना रही, तो रही की सुविधा हो जाएगा हम लोग का घेरा हो जाएगा और कुछ कम होगा वो सरकार नहीं बना रही अपने पैसा से क्यों बना रहे हैं सरकार, सरकार पीछे बनावेंगे ना देखने आगे कर रहे हैं ना आगे कर रहे हैं सरकार पीछे देखे निगाह होगा तो बना देंगे पीछे कर देंगे बदलते बिहार का ऐसा भी परिचय है बिहार में ऐसे भी लोग हैं कि इस तरह की सड़कों को बनाने का जिम्मा उठा लेते हैं उनसे भी बात कराएंगे और ऐसे गांव वालों को भी दिल से सलाम है जो ऐसा जज्बा उठा लिए कि चलिए एक सड़क बनवा देते हैं आखिर अपने से क्यों तैयार हो गए आप लोग बनाने के लिए हम लोग देखें कि रेती जमीन है रेती जमीन में जब तक सरकार के जमीन नहीं उपलब्ध होगा हो गए बनता नहीं लेकिन हम लोग अपने से स्टाम्प पर लिख करके सब दे दिए हैं कि हम अभी नहीं भविष्य में मुआवजा की मांग नहीं करेंगे और स्टार्ट कर दिए मतलब इस जमीन के लिए आपको मुआवजा भी नहीं चाहिए नहीं चाहिए अपने खुद से आपको बनाना बनाना है इस तरह से बना दिए हैं कि शिष्य बनाने से इतना बनाने सरकार के सहूलियत हो आसान होने पर सरकार अपने स्वयं सरकार इस पर मतलब इस पर मिट्टी वर्क आप लोग करा दीजिएगा बाद में पिचिंग चाहते हैं सरकार से करा, करा मतलब पूरा अभी नहीं मिट्टी तो पूरा मिट्टी हाँ। अपना पिचिंग पूरा भी तो हम लोग खाली लकीर खींच रहे हैं हाँ। कि कोई पदकारिया में उनको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा जमीन उपलब्ध है जमीन जब उपलब्ध हो गया तो उनको बनाने में सहूलियत होगी सहूलियत होगी तो हम लोग देख रहे हैं कि सहूलियत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है इस चलते हम लोग बना तो मतलब, मतलब हमको एक बात बताइए सड़क गांव वाले लोग बनाएंगे या आप लोग की डिमार्केशन कर रहे हैं सरकार से बनवाने के लिए सरकार से बनाने के लिए कर रहे हैं सड़क आप लोग नहीं बना रहे नहीं चाची सरकार से बना ही देंगे अच्छा कच्ची बना रहे हैं। हाँ, कच्ची सड़क सर्मदान से कुछ पैसा दे रहे हैं कुछ कुछ दे रहे हैं सब हर आदमी दे रहे हैं आओ खेत वाला लिख दिया कि अभी नहीं भविष्य में मुआवजा का मांग नहीं करेंगे मतलब खेत वाले कभी भी मुआवजा का मांग नहीं करेंगे कोई ट्रैक्टर दे रहा है कोई और क्या दे रहा है मिट्टी दे रहा है मिट्टी दे रहा है कोई शर्मदान से खीर अथी ट्रैक्टर पर मिट्टी भर रहे हैं कोई कुछ कर रहे हैं कोई, कोई चंदा बिरी दे रहे हैं कुछ कुछ दे रहे हैं सब मतलब हर गाँव पूरा सहयोग किए हुए हैं अब बहुत सारा स्वाति संगीत जिससे अलग अलग सब चंदा मांगते हैं दे देते दे हैं गाँव से चंदा ले रहे हैं अच्छा सब सहयोग कर रहे हैं पूरा भरपूर सहयोग कर रहा है ये तो हमको बनाना बहुत सा तो लग, लग रहा था कि इतना बड़ा टांग दिया तुम तो, इतना बड़ा टाँग दिया तो वह चीज़ है लेकिन हमारा लग रहा है कि बहुत अब आसान है कितना तो समय लगेगा इसको बनने में अभी बताइए ये तो मतलब कि आठ दिन में देंगे आठ दिन में वहाँ पहुँच जाएगा पहुँच जाएगा तो समझे बिहार में और जो भी लोग हैं जिनको देखना हो कैसे आएगा आपका गाँव आदमी बताइए रोड को देखने के लिए आज के हम सीधे आप लोगों के जज्बे को देखने देखने के लिए हम सीधे फोर लाइन से सीधे उतार करके यहाँ ट्रेसिंग कर करके ले सब आएंगे तो समझ लीजिए बलवा गांव है ये और पटना से कितना दूर है पटना यहाँ से पटना से फोर लाइन से से बाइस किलोमीटर है मात्र मात्र है। समझ लीजिए राजधानी पटना से बाईस किलोमीटर दूर एक गाँव है जहाँ सड़क नहीं है तो गाँव वाले अपने पैसे से इधर सड़क बना रहे हैं जो स्थानीय जल संसाधन विभाग के एक इंजीनियर है वो भी टेक्निकल चीजों का मदद कर रहे हैं यही कर रहे हैं ना संजय जी हैं इधर में आ जाइए सर एक बार आपसे भी बात जान ले हम ये अनिल जी कह रहे हैं कि ये जो सड़क है ये आम लोग अपने पैसे से बना रहे हैं जी जी ये मतलब कितना किलोमीटर लंबा होगा इसका अलाइनमेंट में क्या सरकारी जमीन है या आम लोगों की जमीन है क्या एट्टी परसेंट लगभग रेती जमीन है uh. बीच में आपका ट्वेंटी परसेंट के लगभग सरकारी जमीन है गर्मजरुआ जमीन है कहीं पैन है कहीं अलंग है उन सब को जोड़ के अलाइनमेंट बना लिया हाँ हाँ कितनी चौड़ी सड़क है कितनी लंबी सड़क ये लंबाई में आपका फरीदपुर से लेके फोर लेन तक uh, कितना ग्यारह किलोमीटर के लगभग में है चौड़ाई कितनी चौड़ाई तीस फीट चौड़ाई फीट थीस थीस तीस ही ही फीट तीस फीट चौड़ाई में मतलब साढ़े नौ मीटर साढ़े नौ मीटर और ये आपका फोर लेन से यहाँ बलवा गांव टच करते हुए गांव से सलारपुर गांव होते हुए फरीदपुर जाके नगर नौसा रोड में मिल जाएगा अच्छा एक बात बताइए आज के समय में पांच रुपया भी कोई आदमी बिना किसी स्वार्थ का खर्च नहीं करता है तो ऐसे में आम लोगों के लिए सड़क बनाना सोचना आसान लगता है आपको सर सोच लेने के बाद सब कुछ आसान हो जाता है जब हिम्मत कर लेंगे तो बना ही लेंगे सब कुछ तो ज़मीन है किसान का ही है मिट्टी किसान का है सब कुछ किसान का ही है तो सब मतलब एक जगह उसको करना है अगर कर लेंगे तो बन जाएगा तो समझ लीजिए सोच देखिए मिट्टी भी किसान का जमीन भी किसान का ट्रैक्टर भी किसान का और श्रमदान भी किसान ही करेंगे तो सड़क तो बन ही जाएगा वैसे नेताओं के लिए बहुत बड़ा सवाल है ये जो आते हैं गाँव में देख करके चले जाते हैं थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगे तो ऐसे सड़कों को बनाने के लिए ऐसे इनिशिएटिव नहीं लेना होगा लोगों को पटना से लगभग बारह बाईस किलोमीटर ही दूर है समझ लीजिए सरकार के सहायता से भी बन सकता है एक हमारी आवाज़ है पथ निर्माण के जो भी लोग हमें देखते हैं एक बार आइए इस सड़क का मुआयना कीजिए थोड़ा सा आप भी साथ दीजिएगा इस श्रमदान में आपका भी सहयोग मिल जाएगा तो हमको लोग लगता है कि ये रोड जल्दी बन जाएगा हम फिर से दोबारा आएंगे आठ दस दिन में अगर यह रोड का आगे बढ़ता है चीज़ें तो उसकी तस्वीरों के साथ भी आपके साथ जुड़ेंगे लेकिन फिलहाल बेलवा गांव में एक रोड है जिसको श्रमदान से बनाया जा रहा कोई ट्रैक्टर दे रहा कोई मिट्टी दे रहा तो कोई अपने श्रम का दान कर रहा इसके बदौलत यह रोड का निर्माण शुरू हो गया राजधानी पटना से लगभग बाईस किलोमीटर दूर है उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिला होगा इस पहल को अपने यहाँ जगह पर भी आजमाएंगे वैसे जगह जहाँ चचरी वाला पुल है अगर आप लोग भी इनिशिएटिव लीजिएगा तो हो सकता है कि वहाँ कंक्रीट वाला पुल बन जाए आपको चसरी से पार होना ना पड़े धन्यवाद